अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको दही भल्ले बनाना बताऊंगी माश की दाल और मूंग की दाल के। ये मैंने मूंग की दाल एक कप रात को भिगोकर और अच्छे से साफ करके धोकर, और ये इसमें थोड़ा सा पानी है ये लिए मैंने, और माश की दाल का मैंने आटा लिया है। तो आप माश की दाल भी ले सकते हैं, वो भी मूंग की दाल के साथ ही भिगो दीजिएगा। इसमें मैं डालूंगी जो जो कशिया, तो मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ मैंने डाली है, हाफ टी स्पून मैंने डाली है अदरक का पाउडर, आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, और हाफ मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट टी स्पून, और दो मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने पीसना है अभी, तो मैं अभी ये पीसती हूँ। और ये मैंने पीसा हुआ ले लिया माश की दाल का आटा, आप माश की दाल भी ले सकते हैं। इसमें मैं टी स्पून में नमक डालूंगी और ये हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। ये मैंने मूंग की दाल को जूसर ब्लेंडर में पीस लिया है। अब हम ये माश का आटा भी इसमें शामिल कर देंगे और ये नमक, मीठा सोडा हम बाद में डालेंगे, और इसे मैं तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से फेंटूंगी। 10 मिनट मैं इसे अच्छे से इस तरह से सबसे फेंटूंगी, आप जिससे भी फेंटें, अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे फेंट लें। इसे मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूंगी, और उसके बाद फिर हम इसे थोड़ा सा और फेंट के फिर इसके इसमें मीठा सोडा डाल के फिर इसके बल्ले बनाएंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हमारे बैटर को, अब हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे और अब हम इसे मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और अब चलें हम इसके बल्ले बनाते हैं, फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रखी हुई है। मान रहा है ये मैंने चेक करने के लिए डाला था, आपका आप जैसे चाहें बनाना चम्मच से किससे, मैं तो हाथ से बनाती हूँ। इस तरह हम इसे हाथ से लेकर इस तरह डालते जाएंगे। एक साइड से होता है, फिर हम दूसरी साइड से देखते हैं। ये देखिए हल्के हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए। अब हम निकाल लेंगे इन्हें, इन्हें दो दफा फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, दो दफ़ा फ्राई करने से ये होता है कि जब हम इन्हें पानी में डिप करेंगे ना तो ये सफ़ेद हो जाते हैं एक दफ़ा करने से, तो दो दफ़ा हम करेंगे तो इसका कलर वैसा ही रहेगा गोल्डन गोल्डन। ये देखें ये भी हो गए हल्के, हम इन्हें एक दफ़ा और भी करेंगे, इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं। तरह मैं सब बना लूँगी, ये अब हम दोबारा से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब डाल देंगे एक साथ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आ गया ना, अब हम निकाल लेंगे और थोड़ा इसमें ठंडा हो जाएगा ना, ये हल्का बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम इन्हें पानी में डालते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह डालेंगे हम पानी में। आज ज़बरदस्त मूंग और माश की दाल के भल्ले बन गए, आप ये हल्के ठंडे भी हो गए, तो मैं इन्हें इस पानी में डाल दूँगी। मैंने इसे हम पानी में भिगो देंगे, थोड़ी सी देर भगोंगी बस। जो
बाकी के बच गए हैं। बिल्कुल जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें एक थैली में डालकर फ्रीज कर लूँगी, और जब मुझे फिर कुछ बनाना होगा तो मैं फिर इन्हें इस्तेमाल कर लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें हमारे भल्ले हो गए पानी में। अब इस तरह हम एक उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे थोड़ा सा, और इस तरह रखते जाएंगे। माशाल्लाह इतने सॉफ्ट बने, हल्का सा भी दबाने से टूट गए। हमें इन्हें बिल्कुल चूरा नहीं करना है, हल्के से प्रेस करके ना पानी निकाल दें। भल्ले हमने निचोड़ लिए, अब हम ये दही, घर का बना हुआ दही है, मीठा है, खट्टा नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैंने इसमें हाफ टी स्पून चीनी और दो चुटकी नमक लिया है। ये चाट मसाले में और चटनी वगैरह में भी नमक होगा, तो इसे इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। और ये हम इसमें भल्लों के ऊपर, बिस्मिल्लाह, ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे सब तरफ। इस तरह हम सब तरफ अल्लाह पे दही डाल देंगे, ये सब दही डाल देंगे हम इस तरह पे। डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से भी डालेंगे, बाद में चाट मसाला डाल लें। ये ग्रीन चटनी है, ये डाल लें थोड़ी सी। फिर जब आप खाएंगे तो सॉस डाल लीजिएगा। ये आप मीठी चटनी डालेंगे, ग्रीन चटनी मैंने डाल दी है, बिस्मिल्लाह। ये मीठी चटनी है आलू बुखारे और इमली की, ये मैंने अपने चैनल में सिखाई हुई है आप लोगों को रेसिपी, और ये डाल देंगे। ये मसाला मैंने तवे पर बनाया है, लाल गोल मिर्च होती है ना, लाल वाली, वो डाली है मैंने, और ज़ीरा और साबुत धनिया, इन सबको मैंने तवे पर भून लिया और फिर मैंने इसे ग्राइंडर में पीस लिया। तो ये डालेंगे हम थोड़ा सा बस, इससे ना कच्ची लाल मिर्चों की खुशबू नहीं आती है जायके में, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये डाल लिया मैंने बस, और अब आप देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा दही, हमारे दही बल्ले तैयार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दही बड़े तैयार हो गए। तो आप भी इस तरह अपनी तैयारी में दही बड़े बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मूंग दाल और माश की दाल के तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे आप ये बेसन के भी बना सकते हैं, अगर जितने मज़े के इस मूंग दाल और माश दाल के बनते हैं उतने बेसन के नहीं बनते। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपनी इफ्तारी में इसे बनाएं और सबको घर में खिलाएं, घर वालों को बना के ये खिलाएं इफ्तारी में, और तारीफें समेटें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।